थोड़ा सा समझना चाहूँगा जॉब लॉसेस के बारे में, जो हर घर में हर जगह एक एंग्जाइटी है लोगों को। अब खबरें आना शुरू भी हो गई हैं सभी सेक्टर से कि या तो सैलरी कट है या ले ऑफ है या इस तरह के दूसरे उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की यंग वर्कफोर्स की इस वक्त परिस्थिति क्या है, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए और थोड़ा उनको आप एडवाइस भी दीजिए आने वाले दिनों में उनको क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जॉब लॉसेस हो रहे हैं, इससे तो हम इनकार कर नहीं सकते। देखिए वो तो होंगे, आई थिंक दैट ये नाइंसाफी होगी हम अगर कोई भी बिलीव करे कि बिना एम्प्लॉयर्स रिवर्स होते हैं, वो सागर या पॉन्ड्स नहीं होते हैं। अगर फ्लो नहीं आएगा तो स्टॉक उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, और जैसे इंडिया की रिवर बंद हुई है इस इकोनॉमिक लॉकडाउन में, तो एम्प्लॉयर्स शेयर होल्डर्स सैलरीज नहीं देते हैं, कस्टमर सैलरीज देते हैं। तो जब कस्टमर स्ट्राइक पे हैं तो एम्प्लॉयर्स सैलरी नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम की अगर एंड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखे, तो अगर थर्ड मई को खत्म हो गया तो मई में तो सैलरीज बहुत ऊपर जाएंगी क्योंकि लोग हैं ही नहीं। एक सैलरी स्पाइक होगा बड़े सिटीज में क्योंकि आधे लोग तो घर चले गए हैं। तो जिस जब भी ये सैलरी ये खत्म होगा, एम्प्लॉयर्स को तो याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको लोग चाहिए भाई, उनकी प्राइस तो बढ़ेगी एक महीने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि अभी शायद अगले महीने ये परिस्थिति हो जाए कि जो वर्कर्स ब्लू कॉलर या व्हाइट कॉलर घरों को चले गए हैं उनकी तुरंत वापसी नहीं होगी, और जो कमर्शियल एक्टिविटी सेंटर हैं वहां पर जॉब मार्केट में शॉर्टेज होगी और आप ज्यादा सैलरी देके लोगों को हायर करेंगे। इसीलिए सब बहुत एम्प्लॉयर्स ने अभी एक्शन नहीं लिया है अपने बॉटम ऑफ द पिरामिड, क्योंकि वो डर रहे हैं कि जैसे ही खुलेगा उनको तो फिर वो लोग ट्रेसपासर्स विल बी रिक्रूटेड का साइन लगाना पड़ेंगे अपने फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि आधे लोग तो भाग चुके हैं। तो सैलरी स्पाइक तो होगा क्योंकि बहुत लोग घर चले गए हैं और उनके आने में 15 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 60 दिन आएंगे तो वापस वो विलेजेस में ये जो सर्टेन लोगों का सैलरी स्पाइक होगा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग चले गए हैं जो जॉबलेस हैं, जो नरेगा का काम ढूंढ रहे हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा, लेकिन वो वापस आएंगे। ये तो हमारे ये नोशन कि अब लोग छोड़ के सिटीज में नहीं रहेंगे, हम लोग जॉब्स लोगों के पास नहीं ले जा सकते, हमको लोगों को जॉब्स के पास लाना पड़ेगा। तो जो इमीडिएट क्राइसिस होगा एक स्पाइक आएगा, लेकिन जो जॉब लॉसेस होंगे, मुझे तो ये लगता है कि different kind of economy evolve करेगी। बिल्कुल, चूंकि आपने चर्चा की कि कहां कहां नया बूस्ट आएगा, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का जिक्र किया, थोड़ा सा इसको और आप अगर इलेबरेट करें, क्योंकि दिख क्या रहा है सामने कि एविएशन, टूरिज्म, फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री को भी लोग कहते हैं, मल्टीप्लेक्सेस, रिटेल, इन सबको बड़ी भारी चोट लगेगी। और दूसरी तरफ ये लगता है कि हाउस होल्ड सर्विसेस, हेल्थ हाइजीन से जुड़ी हुई सेफ्टी की सारी बातें, दवाई अस्पताल और एजुकेशन, सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनको काफी लेग अप मिल सकता है। तो कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज की अगर एक लिस्ट हम बनाना चाहें? देखिए टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, रेस्टोरेंट का तो काफी दिन तक दुखदाई होगी या बैंड बजेगा, अभी बैंड बज रहा है, जीरो तक पहुंच गए, लेकिन वापस आने में भी लोगों को हेजिटेशन होगा। लेकिन ये जो डिजिटाइजेशन का सुपर साइकिल इंडिया में होने वाला था, हम पहला देश है जिसके UPI, जो हमारे मोबाइल पेमेंट्स भीम और उससे, वो हम 100 करोड़ एक महीने में पहुंच गए थे। इस कोरोना वायरस के लिए हम 100 करोड़ एक दिन में पहुंच जाएंगे अगले साल में या 1.5 साल में। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री होगी जो मोबाइल पेमेंट्स को इतना अडॉप्शन, इतना एक्सेलरेशन UPI के वजह से, और ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल में जो जॉब्स आने वाले हैं, जो प्रोडक्टिविटी डिजिटाइजेशन से आती है, वो लास्ट माइल में बहुत जॉब्स क्रिएट करती है। सो लॉजिस्टिक्स, सेल्स और कस्टमर सर्विस में इंडिया की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ेगी। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, मतलब कि आप जितना ग्रो करें कितने जॉब्स क्रिएट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम होती जा रही है पिछले 5 साल में। लेकिन इस क्राइसिस के बाद मुझे रिटेल, ई-कॉमर्स और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें लास्ट माइल की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ेगी। चाइना की फार्म से नॉन फार्म जो लेबर मूवमेंट हुआ था वो फैक्ट्रीज को हुआ था, इंडिया का फार्म और लेबर जो नॉन फार्म लेबर मूवमेंट इससे एक्सेलरेट होगा वो सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स में होगा। तो वही सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स ऑफ द जॉब मार्केट हैं, और वहीं पे जो हमारे यूथ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो पहले नहीं मिलते।